बिहार में आई जल प्रलय का हाल किसी से छिपा नहीं है। जिधर देखो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जल भराव और बाढ़ से पटनावासी रो रहे हैं। गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। इसी बीच बारिश में मरने वालों की संख्या भी हर दिन बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल पटना के राजेंद्र नगर का है। यहीं पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का मकान भी है। उनके आवास पर भी पानी भर गया था, जहां पर सुशील मोदी को एनडीआरएफ की टीम ने परिवार सहित रेस्क्यू किया। बाढ़ से सुशील मोदी के परिवार के रेस्क्यू की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार के विकास के दावे पर हमला किया है। रेस्क्यू के बाद सड़क पर परिवार के साथ खड़े सुशील मोदी की तस्वीर को शेयर करते हुए लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया कि 15 साल का विकास सड़क पर खड़ा है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा है। उन्होंने विपक्ष को गाली दे देकर बिहार में इतना विकास किया है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ किया उनका 15 साल का विकास सड़क पर खड़ा है। तस्वीर पर लालू यादव ने ये भी लिखा है कि गरीबों का घर उजाड़ने वाले आज खुद सड़क पर आ गए हैं। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। न्यूज़ डेस्क।